महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी चीफ अजीत पवार आज दिल्ली पहुंचे हैं। अजीत पवार दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। नतीजे के 8 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सस्पेंड की जा रही है। खबर यह भी है कि यह सस्पेंस 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में नया विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ऋतिक भालेकर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, अजीत पवार दिल्ली आ रहे हैं, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की पूर्व नियोजित बैठक जो थी वो अब तक नहीं हो सकी है। हालांकि अब एकनाथ शिंदे अपने गांव से अपने आवास थाने में लौट चुके हैं, बावजूद उसके बताया जा रहा है कि वो किसी से मुलाकात नहीं करने वाले, आज पूरा दिन वो अपने आवास में ही रहने वाले हैं। डॉक्टर ने सलाह दी है उन्हें आराम करने की। अब ऐसे में ये एक डेडलॉक जो बना हुआ है मंत्रिमंडल को लेकर या मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसको सुलझाने के लिए या अब आगे की भूमिका क्या होगी ये समझने के लिए अजीत पवार जो है वो दिल्ली के आलाकमान की का वक्त मांग रहे थे, उनसे मिलना चाह रहे थे। और अब बताया जा रहा है कि खुद अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे तीनों भी दिल्ली जा सकते हैं, जब वक्त मिले वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें जो पोर्टफोलियो चाहिए उसका एक निवेदन या उसका जो प्रस्ताव है वो उनके सामने रख सकते हैं। बात रही एकनाथ शिंदे या बीजेपी की, तो बीजेपी की विधायक दल की बैठक 4 तारीख को होगी जिसमें ग्रुप लीडर चुना जाएगा और अंतिमतः महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आएगा। अब शिंदे जो है वो अपना कार्ड नहीं खोल रहे हैं, वो चाह रहे हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है उनका, उतना उनका कितना से रहेगा इस बार सरकार के गठन में या फिर पोर्टफोलियो को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो फॉर्मूला मंत्रिमंडल के लिए माना जा रहा है वो ऐसा है कि 6 विधायक के पीछे एक मंत्री पद मिलने वाला है। इसको अगर हम ध्यान में रखें तो अजीत पवार को 8 से 9 मंत्री पद जो है वो इस सरकार में मिल सकते हैं। हालांकि 9 कैबिनेट मंत्री उन्होंने पिछली सरकार में ही उन्हें दिए गए थे महायुति की सरकार में, तो उनका यही मानना है और उनकी मांग है कि इससे 1 या 2 मंत्री पद जो है वो अधिक से बढ़ा के दिए जाए, यानी 10 से 11 मंत्री पद उन्हें मिले। जो 9 अभी फिलहाल उनके पास मंत्री पद है उसके साथ और 2 महत्वपूर्ण मंत्री पद वो मांगना चाह रहे हैं और उसी के लिए ये जिद्दोजहद उनकी शुरू है। ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।